वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स। एक्चुअली टू डिजिट नंबर्स का हम लोग करेंगे 11 से लेके 100 तक का स्क्वायर हम लोग कुछ सेकंड्स में कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और ये ना कोई मैजिक होगा और ना कोई ट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। ये ओनली वर्क होगा लॉजिक किससे, लॉजिक से हम लोग सीखेंगे और विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, चाहे क्लास आप 12th में पढ़ते हो, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी में भी ये आपका कैलकुलेशन जो है वो आपको यूज होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यस, कभी भी नहीं भूल सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 का स्क्वायर आप यहां पर देख रहे होंगे, 11 का स्क्वायर वैसे भी आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको बताने वाला हूं, ताकि मैं जो इससे बड़ा बड़ा आपका स्क्वायर्स बताने, तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप खुद भी सेकंडों में इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आपको याद है 121 आएगा, ठीक है बच्चों। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आप जब कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 289 आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। 24 का स्क्वायर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 24 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों का कितना आंसर आएगा, 576, ठीक है बच्चों। तो 576 का करने के लिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं अभी आपको हम बताने वाला हूं, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कोई भी याद रख सकता है, बहुत इजी से याद रख सकता है बच्चों, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको ए स्क्वायर नहीं करना है, टू ए बी भी नहीं करना है, आपको बी स्क्वायर से फिर टू ए बी फिर ए स्क्वायर के जाना, मतलब राइट से आपकी लेफ्ट की ओर जाना, ठीक है बच्चों। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आपको क्या करना है कि राइट से लेफ्ट की ओर जाना, पहले बी स्क्वायर करना फिर टू ए बी करना फिर ए स्क्वायर करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर में क्या आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 16 आएगा, 16 में आप लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग राइट करेंगे 6, हम लोग का कैरी होगा 1, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग 2a भी करेंगे तो 2 × 2 × 4 करेंगे तो आपको कितना रिजल्ट आएगा बच्चों, तो 2 × 2 = 4, 4 = 16, तो आपको 16 आएगा। 16 में आप क्या कीजिएगा, आपका कैरी कितना था, 1 था, तो कितना हो गया 17, 17 का 7 राइट कीजिएगा तो आपके हैंड में कैरी में आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों। और फिर 10th प्लेस में आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, जिसमें हम लोग ए स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 4 और कैरी 1 था आपका 5, तो आपका रिजल्ट आ गया 576। देखिए कितना चुटकी में आ गया ना, जब इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट का सीख जाइएगा तो इसको आप सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर आपको फाइनली कितना मिल गया, 576, ठीक है बच्चों। सेम इसी तरह से आप कितना कर सकते हैं, 36 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो देखिए 36 का स्क्वायर को मैं आप लोग कितना जल्दी से कर सकते हैं, 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1296, ठीक है बच्चों। तो 19926 इतना सेकंडों में मैंने कैसे बता दिया, तो देखिए इसी तरह से फिर वही बेसिक कंसेप्ट मैं यूज करूंगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर जाएंगे, इतना है यूनिट प्लेस में हम लोग का 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का 36 आपको क्या लिखना है, 6 राइट करना है, 3 आपका कैरी होगा, ठीक है बच्चों। फिर 2a भी करना है तो 2 × 3 × 6 करेंगे, तो 2 × 3 × 6 करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6 और 6 × 36 और 36 और कैरी मेरा कितना था, 3 था, तो टोटल आपको कितना नंबर मिला, 39 मिला, और 39 में आपको क्या राइट कीजिएगा, 9 राइट कीजिएगा और 3 अगेन आपका कैरी हो गया, ठीक है बच्चों। और 10th प्लेस में आपका कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा और आपका कैरी कितना था, 3 था, 9 और 3 12, तो आंसर कितना मिला, 1296, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी से किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर जरूर दीजिएगा, 43 का स्क्वायर और 57 का स्क्वायर, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप राइट करके दीजिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको ये ट्रिक जो है, ट्रिक मैं नहीं बोलूंगा, ट्रिक तो है नहीं, ये क्या है कि अगर ये आपका लॉजिक और ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो तुरंत आप लाइक प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द 3 डिजिट का स्क्वायरिंग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए से आप इजी से लॉजिक से और आपका इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, चाहे क्लास आप 12th में पढ़ते हो, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी में भी ये आपका कैलकुलेशन जो है वो आपको यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट आपका है 83 का स्क्वायर। ठीक है, 83 का स्क्वायर को हम लोग कैसे करेंगे, पहले यूनिट प्लेस में कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 × 8 × 3। ठीक है बच्चों, तो 2 × 8 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 8 × 16 × 3 = 48 में आपका 8 राइट करना है, और फिर आपका कैरी कितना होगा, कैरी आपका 4 होगा। ठीक है बच्चों, और फिर 10 प्लस में 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर का आपका कितना हो गया 64, और 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68, सो आपका आंसर कितना मिला 6889। देखिए कितना ही चीज आप निकाल सकते हैं, और मैं 94 का भी बताता हूं, 94 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का 6 लीजिएगा और कैरी आपका 1 हो गया। ठीक है बच्चों, और 2 × 9 × 4 कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 2 × 4 = 8, 8 × 9 आपका कितना हो गया 72, और प्लस 1 73 का 3 लिखेगा आपको कितना मिला 7 आपका कैरी हो गया। ठीक है, और 10 प्लस में आपका कितना है 9 है, सो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका होगा 81, और 81 और कैरी कितना था आपका 7, सो 81 प्लस 7 88, तो आपको रिजल्ट क्या मिला 8836, तो फाइनली आपको कितना मिल गया 8836। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बनाने वाला हूँ वो 3 डिजिट का मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारे बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड 10 में हो, स्टैंडर्ड 9 में हो, 7 में हो, 6 में हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो। आपको अच्छा लगा और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट में 3 डिजिट को मैं जरूर बताने वाला हूं। और बाय, और नहीं बाय।